फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डायरेक्टर टीएलवी प्रसाद का, जिन्होंने मिथुन दा की मैक्सिमम मूवीज को डायरेक्ट किया है, उनका बॉलीवुड फिल्मी कैरियर एनालाइज करेंगे। साल 1992 में मूवी आई लव यू से टीएलवी प्रसाद ने एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में प्रशांत, रीमा लागू, तनुजा, असरानी, अमरीश पुरी, चरण राज, अशोक श्राफ और गुड्डी मारुति शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 95 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 35 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 62 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1994 में इनकी अगली मूवी आई जनता की अदालत। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, गौतमी, मधु और सदाशिव अमरापुरकर शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3.9 करोड़ रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 5.44 करोड़ रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1995 में इनकी अगली मूवी आई जख्मी सिपाही। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, ओम पुरी, रितु पर्णा सेन गुप्ता, पुनीत इस्सर और गोगा कपूर शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2.50 करोड़ रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1995 में ही इनकी अगली मूवी आई जल्लाद। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, लंबा, मधु, मौसमी चटर्जी, कादर खान, शक्ति कपूर और प्रेम चोपड़ा शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 3 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 4.69 करोड़ रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 8 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1996 में इनकी अगली मूवी आई मुकद्दर। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, आयशा जुल्का, सिमरन, मौसमी चटर्जी, हेमंत बिरजे, पुनीत इस्सर और किरण कुमार शामिल थे। ये एक क्राइम मूवी थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 4 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 7 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1996 में ही इनकी अगली मूवी आई जुर्माना। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रोनित राय, रजा मुराद, रंभा, गेविन पैकर्ड, अश्वनी भावे और शक्ति कपूर शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1996 में ही इनकी अगली मूवी आई दानवीर। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रोनित राय, लंबा, गुलशन ग्रोवर और प्रेम चोपड़ा शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 3 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3.50 करोड़ रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1997 में इनकी अगली मूवी आई जोड़ीदार। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, राशि, प्रेम चोपड़ा, आदित्य पंचोली और तेज सप्रू शामिल थे। ये एक फैंटेसी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1.94 करोड़ रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1997 में ही इनकी अगली मूवी आई कालिया। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, दीप्ति भटनागर, शीबा, किरण कुमार, जानी लीवर, रजा मुराद, मुकेश ऋषि
और रामी रेड्डी शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,25,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2,73,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4,00,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1997 में ही इनकी अगली मूवी आई सूरज। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, आयशा जुल्का, राशि, पुनीत इस्सर, मोहन जोशी और सुरेश ओबेरॉय शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। इस मूवी का बजट 3,25,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3,51,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 5,00,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1998 में इनकी अगली मूवी आई शेरे हिंदुस्तान। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, सांगवी, हेमंत बिरजे, मधु, गेविन पैकर्ड, तेज सप्रू और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,00,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3,18,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 6,00,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1998 में ही इनकी अगली मूवी आई चंडाल। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, स्नेहा, रामी रेड्डी, जैक गॉड और अवतार गिल शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,00,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 4,50,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 7,00,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1998 में ही इनकी अगली मूवी आई हत्यारा। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, सुमन रंगनाथ, रामी रेड्डी, मुकेश ऋषि और अनिल धवन शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,00,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,65,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2,00,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1998 में ही इनकी अगली मूवी आई उस्तादों के उस्ताद। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, मधु, मोहन जोशी और गोविंद नामदेव शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,00,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,52,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 3,00,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1998 में ही इनकी अगली मूवी आई हिटलर। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, शिल्पा शिरोडकर, दीप्ति भटनागर, सादिया सिद्दीकी, मोहिनीश बहल, अरुण बख्शी, हेमंत बिरजे, मंगल ढिल्लो, जानी लीवर और रघुवरन शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,25,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,94,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 3,36,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1998 में ही इनकी अगली मूवी आई दो नंबरी। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, स्नेहा, सदाशिव अमरापुरकर, जानी लीवर, मोहन जोशी और जैक गॉड शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,00,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3,00,00,000 कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 5,00,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1999 में इनकी अगली मूवी आई सिकंदर सड़क का। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, मानिक बेदी, सम्राट मुखर्जी, मोनिका बेदी, मोहन जोशी, अंजना मुमताज और शक्ति कपूर शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,00,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 68,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1,00,00,000 कमाए।
कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1999 में ही इनकी अगली मूवी आई गंगा की कसम। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, दीप्ति भटनागर, मिंक सिंह, जॉनी लीवर, शक्ति कपूर, दिलीप ताहिल, मुकेश ऋषि और रजा मुराद शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,19,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1999 में ही इनकी अगली मूवी आई बेनाम। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली, पायल मल्होत्रा, आशीष विद्यार्थी, किरण कुमार और जॉनी लीवर शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा हॉरर मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,25,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 3 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1999 में ही इनकी अगली मूवी आई आग ही आग। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, स्नेहा, पायल मल्होत्रा, किरण कुमार और लक्ष्मीकांत बेड़े शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,15,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1,99,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1999 में ही इनकी अगली मूवी आई शेरा। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, विनीता, रामी रेड्डी, गुलशन ग्रोवर और गेविन पैकर्ड शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2,61,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1999 में ही इनकी अगली मूवी आई फूल और आग। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, हरीश, आयशा जुल्का, अरुणा ईरानी, मोहन जोशी और प्रमोद माउथो शामिल थे। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 97,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1999 में ही इनकी अगली मूवी आई दादा। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, स्वाति, रामी रेड्डी, दिलीप ताहिल, इशरत अली, रजा मुराद और दीपक शिक्रे शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,40,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1,35,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2000 में इनकी अगली मूवी आई सुल्तान। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, सुवर्णा मैथ्यू, जैक गॉड, रजा मुराद, मुकेश ऋषि और तेज सप्रू शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,37,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2,33,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2000 में ही इनकी अगली मूवी आई कुर्बानियां। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, सुमन रंगनाथ, रामी रेड्डी, मुकेश ऋषि और रजा मुराद शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 75,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1,35,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2001 में इनकी अगली मूवी आई भैरव। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, इंद्राणी हल्दर,
हेमंत बिरजे, पुनीत इस्सर और जैक गॉड शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। इस मूवी का बजट 1 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 69 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2002 में इनकी अगली मूवी आई कैदी। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, निर्मल पांडे, रोशनी, रजा मुराद और विश्वजीत प्रधान शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। इस मूवी का बजट 1 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 51 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 88 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2002 में ही इनकी अगली मूवी आई मेरी प्रतिज्ञा। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, दीप्ति भटनागर, शीबा, रामी रेड्डी, मुकेश ऋषि और रजा मुराद शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2004 में इनकी अगली मूवी आई तौबा तौबा। इस मूवी के लीड कास्ट में मोना लिसा, पायल रोहतंगी, बॉबी डार्लिंग, विकास कलंत्री, आयुब खान और लक्ष्मीकांत बेड़े शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2008 में इनकी अगली मूवी आई फिर तौबा तौबा। इस मूवी के लीड कास्ट में राहुल राय, अमीन गाजी और साधिका रंधावा शामिल थे। ये एक रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 35 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 21 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 30 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2008 में ही इनकी अगली मूवी आई आज का बॉस। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रामी रेड्डी, दिलीप ताहिल, रजा मुराद और मानवी गोस्वामी शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको टीएलवी प्रसाद की एज ए डायरेक्टर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। टीएलवी प्रसाद की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।